हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास के यानी प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास जानने के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत की चर्चा कर ली थी। आज हम साहित्यिक स्रोत की चर्चा करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में एक धार्मिक साहित्य है और धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण धर्म का साहित्य, बौद्ध धर्म का साहित्य और जैन धर्म का साहित्य है। तो आज हम ब्राह्मण धर्म के साहित्य की चर्चा करेंगे। ब्राह्मण धर्म में सबसे प्रमुख वेद हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ का क्रम आता है, उसके बाद अरण्य की चर्चा करेंगे, उपनिषद की चर्चा करेंगे, वेदांग की चर्चा करेंगे, स्मृति की चर्चा करेंगे, पुराण की चर्चा करेंगे, महाकाव्य की चर्चा करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इन सभी के उपवेद भी हैं। जैसे ऋग्वेद का है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, गंधर्व वेद का है सामवेद और शिल्प वेद का है अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम यहाँ ऋग्वेद की चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद जिसका उपवेद है आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसमें चिकित्सा की चर्चा की गई है। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन है। इसको 1500 BC से 1000 BC इस काल का माना जाता है। हालांकि ये इसकी रचना हुई है इस समय, इसका लेखन कार्य उस समय नहीं हुआ है, और इसको श्रवण परंपरा के हिसाब से इसको याद रखा गया है, श्रवण परंपरा के हिसाब से, इसलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति क्योंकि इसको लोगों ने सुन के याद रखा और इसको अपनी अगली पीढ़ी को ज्ञान के रूप में इन्होंने ट्रांसफ़र किया है, स्थानांतरित किया है, और इसको श्रवण परंपरा से याद रखा गया है, इसलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। यहाँ पर 10 मंडल हैं, इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल में से 2 से 7 ये प्रमाणिक हैं, 2 से 7 मंडल प्रमाणिक हैं, अन्य प्रक्षिप्त हैं, यानी अन्य मंडल इसके जाली हैं जिनको प्रमाणिक नहीं माना जाता है। याद रहे वर्ण व्यवस्था दसवें मंडल में आती है जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। पुरुष सूक्त कहा जाता है, और इस पार्ट को यानी ऋग्वेद के इस भाग को जाली माना जाता है, प्रक्षिप्त माना जाता है। इसके 2 से 7 ही मंडल प्रमाणिक हैं, बाकी इसको इसके मंडल जाली माने जाते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 11 हैं बाल खिल्ले जो पुरुष सूक्त के हैं, इनको मिला के 1028 हैं। वैसे दस सौ 17 सूक्त हैं। इस तरीके से ये ऋग्वेद की जानकारी हुई। ऋग्वेद में कोई भी ठोस ऐतिहासिक जानकारी हमें नहीं मिलती है। इसमें रावी नदी के तट पर एक दशराग युद्ध होता है जिसमें सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया और वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया। एक चर्चा ऋग्वेद में इस तरीके की आती है। तो विश्वामित्र 10 राजाओं के संघ के पुरोहित थे और गुरु वशिष्ठ यहाँ पर राजा सुदास के पुरोहित थे। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है और इसके 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है, यानी सोम देवता की चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। और
गायत्री मंत्र भी इसमें आता है। इसके बाद हम अगला वेद देखेंगे सामवेद। इसके बाद हम सामवेद की चर्चा करेंगे। यहां सामवेद से मतलब संगीत से है, और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद इसका उपवेद है। इसमें ये संगीत का, भारत के इतिहास में इसे संगीत का जनक माना जाता है, और इनके मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर उच्चारित किया जाता है, और जो ऋषि उच्चारित करता है उसको उद्गाता कहते हैं। इसमें 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें से 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें 75 ऋचाएं मूल हैं, बाकी ये ऋग्वेद से ली गई हैं। तो इस तरीके से सामवेद की चर्चा है। इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके प्रथम दृष्टा जैमिनी कहा जाए, इसके प्रथम दृष्टा जैमिनी है। तो ये अपना सामवेद हुआ। सामवेद के बाद हम यहां पर यजुर्वेद की चर्चा करेंगे। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद इसका उपवेद है। ये युद्ध शास्त्र से संबंधित है, युद्ध कला से संबंधित है ये। तो इसमें है यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसमें सहायक मंत्रों का संकलन किया गया है, जो यज्ञ के अवसर पर बोले जाते हैं, और इन मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को अध्वर्यु ऋषि बोला जाता है। अध्वर्यु ये अध्वर्यु ऋषि इसको उच्चारित करता है। इसके दो भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। इस तरीके से ये तीन अपने वेद हुए। इन तीनों वेदों में परलोक संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया गया है। अब हम अथर्ववेद को देखेंगे। अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली संहिता है। इसके प्रथम दृष्टा अथर्वा ऋषि हैं, और इसके दूसरे दृष्टा अंगिरस हैं। इसलिए इस अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी बोलते हैं, और इसमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था का उच्चारण है, जिस समय आर्यों ने अनार्यों से उनकी धार्मिक मान्यताएं और उनकी सामाजिक मान्यताओं को अपना लिया था। इस संहिता में कुल 20 कांड हैं। इस संहिता में कुल 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं, इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, प्रायश्चित, अनुसंधान आदि, इसमें इस तरीके की चर्चा है। इसके साथ साथ इसमें आयुर्वेद के सिद्धांतों एवं उसके व्यवहार की चर्चा की गई है। इसके बाद हम ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ
ब्राह्मण ग्रंथ, जहाँ वेद एक तरह से स्मृति को आधार बनाकर लिखे गए हैं, वहीं ये ब्राह्मण ग्रंथ विधि को याद में रखकर लिखे गए हैं, क्योंकि वेदों में यज्ञ की व्यवस्था है, और यज्ञ विधान में जब जटिलता आने लगी तो उस जटिलता को खत्म करने के लिए ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इसमें ऋग्वेद का ब्राह्मण है कौशीत की। चलो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोलता चलता हूँ मैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशीत की। सामवेद का ब्राह्मण है पंचविश या और षड्विश। सामवेद का ब्राह्मण है पंचविश और षड्विश। इसमें पंचविश को तांड और षड्विश को जैमिनी भी कहा गया है। यजुर्वेद का है तैत्तरीय और शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का है गोपद ब्राह्मण। इस तरीके से मंत्रों के, इस तरीके से यज्ञ के विधान को सरल बनाने के लिए ये ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा हुई है। इसके बाद देखेंगे आरण्यक। आरण्यक ज्ञान एवं चिंतन प्रधान हैं और इनकी दार्शनिक रचनाओं से प्रभावित होकर बाद में उपनिषदों का विकास हुआ है। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। मुक्तोपनिषद में 108 उपनिषदों की चर्चा है, परंतु इसमें से केवल 12 प्रमाणिक माने गए हैं, और इसमें से शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर टीका लिखी है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषदों का ये महत्व है। इसके बाद में हम वेदांगों की चर्चा करेंगे। 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। इस तरीके से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इस तरीके से 6 वेदांगों की चर्चा है। तो शिक्षा का महत्व ये है कि इसका निर्माण इसलिए किया गया ताकि वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण किया जा सके। और कल्प, कल्प ये 3 हैं, श्रुत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। श्रुत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियमों का वर्णन है, और गृह सूत्र में मानव के लौकिक और परलौकिक जीवन का उल्लेख मिलता है, और धर्म सूत्र में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन का उल्लेख मिलता है। इस तरीके से हमारे ये वेदांग हो गए। अब स्मृतियों की बात कर लेते हैं। स्मृतियों का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है, क्योंकि ये हिंदू लॉ है। स्मृति में मनुस्मृति है। मनुस्मृति 200 BC से 200 ईस्वी के आसपास की है। इसे मौर्योत्तर काल का माना जाता है। मनुस्मृति में महिलाओं के मुंडन की व्यवस्था की गई है। अगली देखें याज्ञवल्क्य की स्मृति। तो याज्ञवल्क्य 100 से 300 ईस्वी के आसपास की है। याज्ञवल्क्य में महिलाओं के अधिकार संबंधी नियमों की चर्चा की गई है। इसके बाद हम देखें नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पारसर स्मृति, कात्यायन स्मृति। ये सभी गुप्त काल की स्मृतियां हैं। हम देखेंगे देवल स्मृति, जो कि मध्यकाल की है, और इसमें हिंदुओं के शुद्धिकरण की व्यवस्था है। जब भारत में मुसलमान आ गए थे, भारत में इस्लाम आ गया था, तो यहाँ पर इस्लामिक राज्य स्थापित हो गए थे, और उन्होंने यहाँ के लोगों को मार पीट के जब मुसलमान बनाया, तो एक बार अगर किसी को मुसलमान बना दिया जाता था तो हिंदू धर्म में उनको वापस आने की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए ये देवल स्मृति को इसमें लिखा गया है, और देवल स्मृति में हिंदुओं का शुद्धिकरण करके उनको पुनः हिंदू धर्म में आने की व्यवस्था थी। इस तरीके से स्मृतियों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पुराणों की। इसमें पुराणों की चर्चा है। स्मृति चर्चा पर निकल ली पुराणों की। 18 पुराणों की चर्चा आती है, लेकिन पुराणों को मैं बता दूं आपको, पुराणों को इतिहास को याद में रखकर लिखा गया है। पुराणों को इतिहास को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इसमें लिखने वाले लोगों में लोम हर्ष और उग्र सर्वा का नाम आता है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें शुंग वंश और सातवाहन वंश की चर्चा मिलती है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की चर्चा मिलती है,
और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की चर्चा मिलती है। स्कंद पुराण भी है जो सबसे बाद का है। तो इस तरीके से हमारे पुराण हो गए। अब हम महाकाव्यों की चर्चा कर लेते हैं। तो महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। रामायण में राम की चर्चा है, महाभारत में श्री कृष्ण की चर्चा है। हालांकि कहानी तो बहुत लंबी लंबी है इनकी, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें ये इतिहास जानने के स्रोत की चर्चा करनी थी, जिसकी मैंने कर ली है। रामायण से और महाभारत से हमें उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था, ये हमें रामायण से देखने को मिलेगी। हम ये बात बता देते हैं कि रामायण को उत्तर वैदिक काल का माना गया है। उत्तर वैदिक काल का, और उत्तर वैदिक काल है 1000 BC से 600 BC का। यहां पर प्रश्न मेरा ये है कि रामायण को त्रेता युग का माना जाता है, और त्रेता युग क्या इतने समय पहले ही था? तो मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं बैठती है। मतलब मुझे ये बात ऐसा लगता है कि कुछ समय की कसौटी पर ठीक नहीं उतर रही है, और वो समय में एकदम फिट नहीं बैठ रही है। तो मुझे इस पे थोड़ा डाउट जाता है। तो आप लोग देख लें अपने हिसाब से। रामायण चूँकि भारतीय इतिहास के सिलेबस में है, इसलिए मैं इसे पढ़ाऊँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रामायण के लिए कोई काल निर्धारित हो सकता है, क्योंकि भारतीय इतिहास में रामायण किसी भी काल में फिट नहीं बैठ रही है। लेकिन रामायण हमारा महाकाव्य है, तो जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले पार्ट में। हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चा करेंगे। और आप हमें कमेंट करें अगर इसमें कुछ पार्ट मुझसे छूट रहा है, तो आप हमें कमेंट में बताएं। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे अगले पार्ट में ऐड करके आपको दूं। ठीक है, अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।